नमस्कार, फिल्मी सोडा में आपका स्वागत है। अर्शद वारसी एक के बाद एक बयान के बाद लगातार खबरों का हिस्सा है। अब उन्होंने कुछ विवादित बयान भी दिए हैं, जिसके बाद वो ट्रोल हो रहे हैं। पहले उन्होंने प्रभास को फिल्म कल्कि 2898 एडी में जोकर कहा था, जिसके बाद लोग भड़क गए थे। लेकिन अब मुस्लिम लोग भी अर्शद वारसी पर जमकर बरस रहे हैं। दरअसल अर्शद वारसी ने खुद को बेधर्मी बताते हुए हज करने को लेकर एक बयान दिया है, जो कि आपको हैरान करने के लिए काफी है। अर्शद वारसी इस दौरान एक पॉडकास्ट में थे और उनसे पूछा गया कि क्या आप हज करेंगे। इस पर अभिनेता ने जवाब देते हुए कहा कि नहीं, मैं रिलीजियस पर्सन नहीं हूँ। इसके बाद शख्स ने पूछा, विजिटर के हिसाब से तो जाएंगे? इस पर अर्शद वारसी ने हाँ कर दिया। अर्शद वारसी का ये वीडियो 2 सप्ताह पुराना है, जो कि अब वायरल हो रहा है। इसके बाद लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। क्या बोले लोग इस वीडियो पर? एक ने लिखा कि वो जनता है कि हराम के पैसों से नहीं होगा, इसीलिए नहीं। एक ने लिखा, अल्लाह बुलाना ही नहीं चाहते। एक ने लिखा, वो तो दिख रहा है अनफिल्टर्ड, वो कभी संकोच नहीं करता। एक ने लिखा, हाँ वो नहीं जा सकता क्योंकि उसे बुलाया नहीं है। एक ने लिखा, तुम्हारी क्या औकात है, तुमको सरकार बुलाएगी ही नहीं। एक ने लिखा, अल्लाह माफ करे इसे। एक ने लिखा, मुझे कहते हुए खेद है कि वो मुस्लिम नहीं है। एक ने लिखा कि वो एक ऐसा लड़का है जो अपने माता पिता से प्यार नहीं करता, अपने साक्षात्कार में स्वीकार किया। इस तरह से लोग कमेंट्स कर रहे हैं। बोनी कपूर पर लगाए ये आरोप। अनफिल्टर्ड के साथ इंटरव्यू के दौरान अर्शद वारसी ने कहा कि बोनी कपूर ने उनको पूरे पैसे नहीं दिए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे पंकज पाराशर ने फिल्म के गाने को लेकर कोरियोग्राफ करने के लिए बुलाया था। उन्होंने बोनी कपूर से मेरे लिए बात भी की और मैंने कहा कि मैं 4 दिन के शूट के लिए 1 लाख रुपए लूंगा। फिलहाल आप देखिए ये वीडियो। आपको हज करने का मन है कभी? जस्ट एज अ प्लेस टू विजिट, नॉट अ रिलीजियस पर्सन। वो तो दिख रहा है। और इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। और अब दीजिए हमें इजाजत, कीजिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।